आंवला और हरी धनिया पत्ती की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती लिए हैं, 4 से 5 आंवला, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन। सबसे पहले आंवला और हरी धनिया पत्ती को काट लेते हैं। आंवला को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसका बीज को निकाल देंगे। आंवला और हरी धनिया पत्ती को काट लिए हैं, अब इसे मिक्सी के जार में रख लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे, नमक 1/2 चम्मच, थोड़ी सी पानी। अब इसका ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। ये चटनी पिसा चुका है, अब इसे सर्व कर लेंगे। आंवला और हरी धनिया पत्ती की चटनी तैयार हो चुका है। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।